नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को दोस्तों 10th क्लास का दोस्तों मैथिली का जो मॉडल पेपर है, दोस्तों मैथिली का जो मॉडल सेट पेपर है, आप लोगों को मैं ये इसके बारे में सारी डिटेल में क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, वैसे स्टूडेंट जो दोस्तों 10th क्लास में बी बोस में जो है दोस्तों बिहार ओपन बोर्ड में मैथिली का सब्जेक्ट जो है रखे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज जो है उन स्टूडेंट को आज बहुत फ़ायदा होने वाला है जो है दोस्तों बिहार बोर्ड की तरफ से जो मॉडल 10th क्लास की जो मॉडल सेट निकाली जाती है, ये मॉडल सेट है दोस्तों। ठीक है, इसी मॉडल सेट के आधार पर आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में, 10th के बोर्ड एग्जाम में, बी बोस जो 10th का बोर्ड एग्जाम लेता है उसमें आप लोगों को ये इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा ये माध्यमिक है, 10th क्लास का मॉडल सेट वन है, विषय का नाम मैथिली है। ठीक है दोस्तों, कोड हमारा 206 है, टोटल हमारा 100 अंक का रहता है दोस्तों, और 100 अंक में 30 अंक हमको पास के लिए चाहिए। समय हमारा 3 घंटा 15 मिनट। अब यहाँ पे ऊपर निर्देश दिए हुए हैं दोस्तों, आप पढ़ लिए सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न सारे दहने का उपरांत पूर्णांक चित्र और अच्छी। ठीक है दोस्तों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उत्तर अ ब स व द का संग उत्तर उत्तरक शब्दों में से हो। ठीक है दोस्तों, ये मैथिली में दिया हुआ है, मधुबनी तरफ जो है दोस्तों, मधुबनी और दरभंगा में दोस्तों मैथिली बहुत चलता है। अगर आप लोग दोस्तों मिथिला में रहते हैं तो ये आप लोग जरूर मैथिली जो है आप लोग चुने होंगे। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही आसान है, बहुत ही मधुर भाषा होता है मैथिली। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों ये हमारा इस तरह से है। अब चलिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों यहाँ से हमारा, देखिए यहाँ से हमारा क्या है, एक नंबर का दोस्तों ये जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो है हमसे पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, ये तारानंद वी योगी का कविता छनी किसकी कविता है, मतलब छनी का मतलब होता है यहाँ पे किसकी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, अब इसमें से एक ऑप्शन आप लोगों को चुनना है। ठीक है, यात्री का मूल नाम छनी किस मतलब यात्री का मूल नाम किसका है। ठीक है दोस्तों, इस चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन आप लोगों को चुनना है। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब यहाँ पे 9 क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, 9 जो है क्वेश्चन नंबर 9 जो है मिलाने वाला है। ठीक है, 7 नंबर का क्वेश्चन है और ये हमारा 7 क्वेश्चन है, 7 9 में 7 क्वेश्चन है, ये 7 नंबर है आपको। अब जो भी है आप एक से इससे मिलाइए मिलाइए जो भी मिलाइए। ठीक है दोस्तों, अब नीचे देल गेल खाली स्थान के उचित शब्द सौ करूँ। ठीक है दोस्तों, जो नीचे दिया गया है दोस्तों उचित जो यहाँ पे होगा खाली स्थान में वो भरिए, 8 नंबर का दोस्तों आप लोगों से। ठीक है दोस्तों, 8 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया, इसमें आप लोगों को खाली स्थान में आप लोगों को भरना है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को खाली स्थान में आप लोगों को भरना है। ठीक है दोस्तों, अब जो है दोस्तों ज़्यादातर इसमें तो ऑब्जेक्टिव ही पूछा गया है। देख लीजिए 11 नंबर का दोस्तों, निम्नांकित कथनक आग सही गलत लिखो, जो कथन सही है दोस्तों वो सही कीजिए और गलत है गलत, बिल्कुल दोस्तों कोई ज़्यादा नहीं है, हिंदी से मिलता जुलता है दोस्तों मैथिली, ज़्यादा कोई वह नहीं है। गोट पीछे ने कार्य क्षेत्र सामने, मतलब ये सब सही है तो आप ऐसे टिक मारिए, गलत है तो ऐसे कर दीजिए, कोई दिक्कत दोस्तों, ये सारे टिक मारने वाले हैं। अब दोस्तों 12 का देख लीजिए दोस्तों, 12 का 2 नंबर का है। ठीक है, ये 2 नंबर के क्वेश्चन है आप लोगों को, लघु उत्तरीय, आप जो भी है 3 से 4 लाइन में इसका उत्तर दे दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये सारे 2 नंबर के क्वेश्चन है, कोई नहीं है, बहुत आसान है दोस्तों क्वेश्चन। ये विवाह प्रसंग, यहाँ पे 18वां नंबर देख लीजिए दोस्तों, 2 नंबर का विवाह प्रसंग, पाठक कवि के क्षति तथा ई पाठ कोन ग्रंथ सँ सँ लेल गेल अछि। ठीक है दोस्तों, इस तरह से है। या यहाँ पे देख लीजिए 19वां नंबर, यात्री जी मैथिली में आर कोन नाम सँ जानल जाइत अछि एवं हिंदी साहित्य में हुनक उपनाम की छनी। ठीक है दोस्तों, ये 2 नंबर का है, आप लोग जो है अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ब्राह्मण स्त्री या वैश्यक प्रिय खाद की अच्छी। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में आप लोग यहाँ पे देखिए, मांसाहारी शाकाहारी आ उभयभोजी का अर्थ लिखो। ठीक है दोस्तों, मांसाहारी शाकाहारी और उभयभोजी का जो है आप मीनिंग समझाइए। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, देख सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, आप देखिए 8 से 10 वाक्यों में उत्तर दें, 8 से 10 वाक्यों में आप जो है उत्तर देना है, क्योंकि दोस्तों बड़े लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, 4 नंबर है। यहाँ पर 29 का देख लिए, गोट बिछेने के स्वरूपक वर्णन करो। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग जो है अब यहाँ पे पठित पाठक आधार पर विद्यापति गंगा भक्ति का वर्णन करो। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। अब यहाँ पे हमारा 10 से 15 तक का जो है दोस्तों छेल निबंध लिखने के लिए दोस्तों मैथिली संघ से विस्तार एक निबंध लिखो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भोला पासवान शास्त्री का परिचय संक्षेप में करूँ। ठीक है दोस्तों, ये इस तरह से 6 नंबर का आपको। अब यहाँ पे दोस्तों 34 जो है लास्ट में है,
गामक गली का पक्की कारणक लेल गामक मुखिया का संबंधित करित एक आवेदन पत्र। यहाँ पे दोस्तों गांव का जो गली है आपका कच्चा है, मतलब मिट्टी का, उसको दोस्तों क्या है रोड जैसा बनाना है दोस्तों, पक्का बनाना है, इसलिए आपको एक पत्र लिखना है। यहाँ पे अथवा में है अपन परीक्षा तैयारी संबंध में अपना पिताजी के एक पत्र। आप जो दोस्तों क्या है अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके संबंध में एक पिताजी के पास जो है अपना एक लेटर लिखिए, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग समझे दोस्तों किस तरह से मैथिली में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है मैथिली में 10th का, तो मैंने आप लोगों को सारी डिटेल बता दी दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग जो है इस मॉडल सेट को जो दोस्तों पूरा जो अच्छा से पढ़ लीजिए, आपको एग्जाम में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए दोस्तों मैं एक बार जो है दोबारा से आप लोगों को मॉडल सेट आप लोगों को पूरा दिखाता हूँ। चलिए इस तरह से देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, अगर आप मिस कर गए हैं तो ध्यान दीजिए, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। चलिए दोस्तों इस तरह से हमारा मॉडल सेट है, ठीक है दोस्तों। तो बस इतना ही है। तो आशा करता हूँ दोस्तों मैथिली का जो ये जो मॉडल सेट है आप लोगों को एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अचीव कर पाएंगे इसको पढ़कर, ठीक है दोस्तों। क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसी पैटर्न का। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी को शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है लाभ उठा पाएँ। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।